ये कहानी है एक ऐसी मुनफरिद फजाइया की कि जिसकी मुस्तकबिल का तायुन खुद कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने किया, जिसके किरदार को हजरत इकबाल ने शाहीन से ताबीर किया, जिसकी बुनियाद एयर मार्शल असगर खान जैसे बेलौस लीडर ने रखी, जिनकी वलवलंगेज क्यादत में पाक फजाइया 50 की दिहाई में एक बैनुल अक्वामी कुव्वत बनकर उठी। कभी इसके हवाबाजों ने 16 साइबर जेट तैयारों के जरिए फॉर्मेशन लूप बनाकर दुनिया को हैरान कर दिया, तो कभी इसके शाहीनों ने B-57 बम्बार तैयारों पर एरोबेटिक्स करके एक नई तारीख खत्म की। 1965 की जंग में एयर मार्शल नूर खान की सरबराही में पाक फजाइया ने अपने से 3 गुना बड़े दुश्मन को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया और कौम की उमंगों की तर्जुमान बनकर उठी। 1971 में भी नामसाइद हालात के बावजूद पाक फजाइया के शाहियों ने जुर्रत और बहादुरी की बलबला अंगेज दास्तान रकम की और पहले से भी ज्यादा ताकतवर फोर्स बनकर उठी। 80 की दिहाई में ताकत के नशे में सरशार सोवियत यूनियन ने जब पाक सरजमीन पर जंग मुसल्लत की तो पाक फजाइया एक बार फिर कौम का सरमाया इफ्तिखार बनकर उभरी। इसके निडर हवाबाजों ने बगैर कोई नुकसान उठाए अपने से कई गुना बड़े दुश्मन के बेशतर जहाज कमाल महारत से तबाह किए, चाहे वो कारगिल का महाज हो या ऑपरेशन सेंटिनल। पाक फजाइया की बरवक्त हिकमत अमली और पेशावराना सलाहियत ने दुश्मन को हमेशा किसी भी मुहिम जोई से बाद रखा। दौरे हाजिर की पाक फजाइया जदीद लड़ाका तैयारों, फजाई और जमीनी रेडार सिस्टम और बेहतरीन तरबियत याफ्ता हवाबाजों और जवानों से लैस है। यही वजह है कि ज़र्ब-ए-अज़्म में पाक फजाइया ने शर पसंद अनासिर के खिलाफ मौसर और कलीदी किरदार अदा किया है। इसके हवाबाजों ने जान हथेली पर रखकर प्रिसिशन के साथ दुश्मन की कमर तोड़ के रख दी है। चाहे वो शर पसंदों का कमांड और कंट्रोल सिस्टम हो या असलहे का डिपो, जेर जमीन बंकर हो या पोशीदा ठिकाना, कोई भी पाक फजाइया के शाहीनों से बच ना सका। ज़र्ब आज़म में पाक फजाइया के मौसर किरदार ने एक बार फिर जंगे 65 के हीरोज की याद दिला दी और कौम को ये पावर करा दिया है कि इसकी सफ़ों में आलम, रफीकी और यूनुस आज भी जिंदा हैं। पाक फजाइया पहले भी कौम की मसीहा थी, आज भी है और इंशाअल्लाह हमेशा रहेगी। यार राह शहादत के राही आज भी हैं, हवा के जीन पे उड़ते सिपाही आज भी।